ये बड़े दुख की बात है कि पूरा देश परेशान है, राजस्थान की जनता परेशान है, हर घर में परेशानी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई है। लॉकडाउन में लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत सरकार कोई बहुत बड़ी मदद करेगी, डायरेक्ट पैसा हमारे खातों में ट्रांसफर होगा, देश का नौजवान, देश की जनता, ठेले वाला, खोंचे वाला, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, हर आदमी परेशान है। लेकिन भारत सरकार ने कह दिया वैक्सीनेशन फ्री में हम लगाएंगे नहीं, 18 से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों के लिए अब राज्य सरकारें पैसा खर्च करेंगी। मुझे भारत की सरकार इतना सा बता दे, उनको बीजेपी का नेता कहां पर है जो बड़े बड़े बयान देते हैं, झूठे बयान देते हैं। आप लोग ये तो बताओ, पेट्रोल डीजल की रोज रेट बढ़ रही है, जब तक बंगाल में चुनाव थे पेट्रोल डीजल की रेट नहीं बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम इतने हो गए आजादी के बाद, पहले कभी इतने दाम नहीं बढ़े। अभी दुनिया में क्रूड ऑयल जब सस्ता है तब आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्रूड ऑयल आज से ज्यादा महंगा था, तब पेट्रोल डीजल के दाम इतने नहीं बढ़े, क्योंकि मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 9 रुपए और 6 और 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती, अब 32 रुपए से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू कर दी। इतनी एक्साइज ड्यूटी आप ले रहे हो, वैक्सीनेशन का पैसा मांग रहे हो, महंगाई की आपको चिंता नहीं है, लाशों के ढेर लग गए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है बीजेपी के नेताओं से कि मेहरबानी करो हिंदुस्तान की जनता पर, कम से कम लॉकडाउन में तो आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना बंद करो। 100 रुपए पार कर गया पेट्रोल डीजल, अब क्या लोगों को मारोगे? कुछ नहीं बचाया लोगों के पास, पेट्रोल डीजल की महंगाई बंद करो, देश आवाज दे रहा है आपको। इसलिए जब फ्री वैक्सीन नहीं दे रहे, यदि आप पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हो तो इस देश को वैक्सीन आप दे नहीं पाए, ऑक्सीजन दे नहीं पाए, कोरोना संकट में आप फेल हो गए, किस बात के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हो? मैं इतना ही कहूंगा, अब देश अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, पेट्रोल डीजल अब महंगा नहीं, सस्ता होना चाहिए।